नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईआईटी जेम 2008 में जो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, जो टॉपिक है वो है आईआईटी जेम 2008। इसमें मॉडर्न फिजिक्स में कॉम्पटन इफेक्ट से क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने आपको प्रयास करूँगा। क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देख लिए एक बार, क्या है क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, हमें एक फोटोन दिया हुआ है जिसकी वेवलेंथ लेमडा है, वेवलेंथ लेमडा दी हुई है, एक फोटोन दिया हुआ है, फोटोन फोटोन गिवन, उसकी वेवलेंथ है लेमडा। इज इंसिडेंट ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, एट रेस्ट एंड द स्कैटर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जो यहाँ पर जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा, इंसिडेंट के बाद जो फोटोन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जा रहा है। द फंक्शनल शिफ्ट इज इट्स वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, तो आपको जो वेवलेंथ है, शिफ्ट इन वेवलेंथ, वो कॉम्पटन वेवलेंथ की टर्म में बतानी है आपको कितनी हुई। यहाँ पर लेमडा सी होता है कॉम्पटन वेवलेंथ, ये देखिए, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अब देखिए पहले इसको कॉन्सेप्ट देखिए, क्या ये हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कोई फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है रेस्ट, ये कोई हमारे पास फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लेमडा है, एनर्जी ई है, यहाँ ये हमारा नॉर्मल, यहाँ स्कैटर्ड जो यहाँ पर ये है टक्कर हो रही है, टक्कर के बाद मान लीजिए फोटोन किसी एंगल थीटा पर स्कैटर्ड हो जा रहा है इंसिडेंट के बाद, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसी एंगल फाई पर स्कैटर्ड हो जा रहा है। अब देखिए इसके लिए जो हमारी शिफ्ट इन वेवलेंथ होती है, शिफ्ट इन वेवलेंथ होती है लेमडा से, यदि हम इसको कॉम्पटन वेवलेंथ के टर्म पर लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पर थीटा है कि जो हमारा फोटोन है इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाने के बाद उसकी एनर्जी ई प्राइम हो जा रही है, जो हमारी वेवलेंथ है वो कुछ ई लेमडा प्राइम हो जा रही है। तो ये जो थीटा है वो है कि जो फोटोन है इन जो टक्कर है इसके उसके बाद किस एंगल पर स्कैटर्ड हो जा रहा है, और ये फाई एंगल है कि टक्कर के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस एंगल पर स्कैटर्ड हो जा रहा है। अब देखिए इसको हम या इस तरीके में लिख सकते हैं, एच क्रॉस अपॉन एम नोड सी, 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पर लेमडा सी है, एच क्रॉस अपॉन एम नोड सी, यहाँ पर रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। अब लेमडा सी को ये हमारी कॉम्पटन वेवलेंथ होती है, लेमडा सी होती है कॉम्पटन वेवलेंथ, ये थोड़ा था इस क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इस क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या कहा गया, उसमें हमें कहा गया है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पर इनिशियली, और उस पर एक फोटोन है जिसकी इनिशियल वेवलेंथ लेमडा है, वो इस पर इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट के बाद ये तो इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट के बाद यहाँ पर जो टक्कर होती है उसके बाद जो हमारा फोटोन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस स्कैटर्ड हो जा रहा है। बैकवर्ड मतलब फाई, हमारा थीटा कितना हो गया, फाई 180,
180। तो आपको अब बतानी है कि वेवलेंथ शिफ्ट इन वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ लेमडा सी वो कितनी होगी। अब देखिए इसको हम इस तरह करेंगे, हमारी जो वेवलेंथ होती है शिफ्ट इन वेवलेंथ वो होती है लेमडा, डे लेमडा इक्वल्स टू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, इस तरह लिख सकते हैं, या लेमडा सी वन माइनस कोस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है, किस एंगल पर स्केटर्ड हो जा रहा फोटोन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर थीटा क्या कहा कि जो हमारा फोटोन है वो इंसिडेंट के बाद वह जो टक्कर के बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जा रहा है, बैकवर्ड यानी कि जिस डायरेक्शन में आया वहीं वापस लौट गया, तो हमारा थीटा 180 हो गया। तो रखिए लेमडा सी वन माइनस कोस फाई, कोस फाई की वैल्यू होती है माइनस वन, तो लेमडा सी वन माइनस माइनस वन, तो ये कितना आया लेमडा सी वन प्लस वन इक्वल्स टू टू लेमडा सी। ये आया चेंज इन वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। अब देखिए इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या गिवन है हमें, अब देखिए हमें ये लेमडा डे लेमडा है, यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी लेमडा डेल लेमडा टू लेमडा सी। अब चेंज इन वेवलेंथ, चेंज उसके बाद क्या पूछ रहा है, द फंक्शनल शिफ्ट की फंक्शनल शिफ्ट कितनी हुई थी, डेल लेमडा पोन लेमडा तो टू लेमडा सी पोन लेमडा, ये है हमारा आंसर। अब ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है, क्वेश्चन में पूछा गया था हमें द फंक्शनल शिफ्ट इन इट्स वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन देखिए क्या है लेमडा सी पोन टू लेमडा, ऑप्शन बी है हमारे पास टू लेमडा सी पोन थ्री लेमडा, ऑप्शन सी है थ्री लेमडा सी पोन टू लेमडा, ऑप्शन डी है टू लेमडा सी पोन लेमडा। तो हमारा क्या आ रहा है फंक्शनल शिफ्ट इन वेवलेंथ, तो ये आ रहा है हमारे पास टू लेमडा सी पोन लेमडा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह क्वेश्चन को सोल्व किया। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।